साथियों, आप में से अनेक लोगों ने हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कही एक बात जरूर सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली से जो पैसे भेजती है उसका सिर्फ 15% ही लोगों तक पहुंच पाता है। अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है, 85 पैसे छूमंतर हो जाते हैं। ये एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने हमारे देश में कहा था। इतने वर्ष तक देश पर जिस पार्टी ने शासन किया उसने देश को जो व्यवस्था दी थी उस सच्चाई को प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन अफसोस ये रहा कि बाद के अपने 10-15 साल के शासन में भी इस लूट को, इस लीकेज को बंद करने का प्रयास नहीं किया गया। बीमारी तो पता चला, बीमारी को स्वीकार भी किया, लेकिन इलाज करने की दिशा में न सोचा न कुछ किया। देश का मध्यम वर्ग ईमानदारी से टैक्स देता रहा और 85% की लूट भी चलती रही। साथियों, अब मैं आपको आज की सच्चाई भी बताना चाहता हूं। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस 85% की लूट को 100% खत्म कर दिया है। बीते 4.5 वर्षों में करीब करीब 5,80,000 करोड़ रुपये, 5,80,000 करोड़ रुपये यानी करीब करीब $80 बिलियन हमारी सरकार ने अलग अलग योजनाओं के तहत सीधे लोगों को दिए, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। किसी को घर के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए, किसी को स्कॉलरशिप के लिए, किसी को गैस सिलेंडर के लिए, किसी को अनाज के लिए ये राशि दी गई है। अब आप अंदाज लगाइए, अगर देश पुराने तौर तरीकों से ही चला रहा होता तो आज भी इस 5,80,000 करोड़ रुपये में से करीब करीब 4.5 लाख से भी ज्यादा हजार करोड़, 4.5 लाख हजार करोड़ से ज्यादा ये रकम छूमंतर हो जाती, लीक होती। अगर हम व्यवस्था में बदलाव नहीं लाते होते तो ये राशि उसी तरह लूट ली जाती जैसे पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि लूटी जाती थी। साथियों, ये सुधार पहले भी हो सकता था लेकिन नियत नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी और नीति की अपेक्षा करना जरा कठिन लगता है। हमारी सरकार अब उस रास्ते पर चल रही है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली हर मदद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने करीब करीब 7 करोड़ ऐसे फर्जी लोगों को पहचान कर उन्हें व्यवस्था से हटाया है।
ये 7 करोड़ लोग वो थे जो कभी जन्मे ही नहीं थे, जो वास्तव में थे ही नहीं, लेकिन ये 7 करोड़ लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। कागज पे वो थे, कागज पे वो पैदा भी हुए, बड़े भी हुए और फायदा भी उठाते रहे। आप सोचिए, पूरे ब्रिटेन में जितने लोग हैं, पूरे फ्रांस में जितने लोग हैं, पूरे इटली में जितने लोग हैं, ऐसे अनेक देशों की जनसंख्या से ज्यादा तो हमारे यहाँ वो लोग थे जो सिर्फ कागजों में ही जी रहे थे और कागजों में ही सरकारी सुविधाओं का लाभ चला जाता था। इन 7 करोड़ फर्जी लोगों को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये उस बदलाव की एक झलक है जो पिछले 4.5 वर्षों में देश में आना शुरू हुआ है। साथियों, ये देश में बड़े पैमाने पर हो रहे परिवर्तन की, न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास की एक झांकी भर है। भारत के गौरवशाली अतीत को फिर स्थापित करने के लिए 130 करोड़ भारतवासियों के संकल्प का ये परिणाम है और मैं आज बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, इस संकल्प में आप भी शामिल हैं।